हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जिस देश का कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ फैला रहा हो, उस देश में फेक न्यूज पर रोक कैसे मुमकिन है? मोदी सरकार आधार को लेकर एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। मोदी सरकार आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए अब भी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोर्ट ने अभी आधार को मोबाइल से जोड़ने का आदेश नहीं दिया। फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है कि मोबाइल को आधार से लिंक करने का आदेश कोर्ट का आदेश है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि कोर्ट ने आधार को सिम से जोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन सर्कुलर में क्यों कहा गया कि कोर्ट का आदेश है? दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि ये मार्च 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से बैंकिंग को लेकर तमाम सेक्टर्स की तरफ से उपभोक्ताओं पर आधार से मोबाइल नंबरों को जोड़ने का दबाव बनाने की बात सामने आई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 6 फरवरी 2017 को दिए गए उसके आदेश में गलत व्याख्या की है। संवैधानिक पीठ ने कहा, असल में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन अपने इसे मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए आधार अनिवार्य करने के लिए औजार के रूप में प्रयोग किया। संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस ए.एन. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.के. भूषण शामिल हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।